ये का कहां गए हमारे दोनों सिपाही जिनको हमने देवी दास से मिलने भेजा था? खा गई आसमान निकल गया, जवाब दो। समझते क्यों नहीं हो तुम लोग? हमें मजा नहीं आ रहा है, हमें हमें मजा नहीं आ रहा है। और जब हमें मजा नहीं आता हम बहुत हो जाते, हम बहुत खतरनाक हो जाते। कहां गए हमारे दो सिपाही, जवाब दो। हुजूर, विनायक, विनायक तुम बोलो, बोलो, बोलो। हुजूर, खबर मिली है कि उदय सिंह ने देवीदास का कत्ल कर दिया। हुजूर, वो उसके बेटे प्रताप को पता चल गया था कि देवीदास हमारे लिए काम करता है। उसी ने अपने वालिद को बताया और उदय सिंह ने देवीदास का कत्ल कर दिया। हुजूर, देवीदास मरा प्रताप की वजह से? हमारे दो सिपाही गायब हुए या फिर मारे गए? इसका मतलब ये हुआ कि उदय सिंह के सर से ही काम नहीं चलेगा। उदय सिंह के कटे सर के साथ प्रताप का भी सर चाहिए। जब तक प्रताप का सर नहीं मिल जाता मजा नहीं आएगा। आप यहां से चले जाइए बाबूजीराज, अन्नदाता सचमुच बहुत गुस्से में है। बाबूजीराज, ये सही है कि आप मेवाड़ के राजकुमार हैं और मैं आपका एक साधारण सा सेवक, मगर भूल चूक माफ हो, मैंने सदा आपको अपने बच्चों सा माना है। महाराणा उदय सिंह ने शम्स खान के विरुद्ध युद्ध की तैयारी कर ली। लीजिए प्रताप, अपना मुंह पोछ लीजिए। कुंवर जी, आज हमने आपके दाजीराज के आंखों में पहली बार आपके लिए गर्व के भाव देखे हैं, लेकिन आज हम अपनी आंखों में ही गिर गए। मासा, कितना चाहते थे दादा हमें। आज आपने अपनी भावनाओं से अलग रहकर देशहित के लिए जो भी किया, यही बात एक साधारण राजा को असाधारण राजा बना सकती है प्रताप। एक साधारण व्यक्ति को कृष्ण सा योगी बना सकती है। सभी नातों संबंधों को जानते हुए भी जब आप मात्र मेवाड़ के हित को ही अपना हित समझ लेंगे, फिर कोई शत्रु मेवाड़ को गुलाम नहीं बना पाएगा। गीता में कृष्ण ने यही तो कहा था अर्जुन से, माना तुम्हें बंधु बांधवों से लड़ना है, पर महत्वपूर्ण ये नहीं है कि तुम्हें किससे लड़ना है। महत्वपूर्ण ये है कि तुम्हें सत्य के लिए लड़ना है। आपको भी प्रताप मेवाड़ के लिए लड़ना है, यही आपका कर्म है और यही आपकी पहचान।
कल सुबह तक हो जाएगा। किले के उस हिस्से की दीवार भी बहुत कमजोर है, उसकी मरम्मत के लिए लोग दुगने कर दो। हुकुम। तोपों के गोलों की संख्या भी बढ़ जानी चाहिए, लेकिन सावधानी से। ये सारा काम रातों रात चुपचाप। हुकुम। किले के लिए पानी, रसद और अनाज का भंडारा, इन सब का क्या हो रहा है? किले की सभी बावड़ियां और कुओं को साफ सफाई करके उनको गहरा कर दिया गया है, और अनाज के भरे गोदामों में इनका काम भी जोरों से चल रहा है। और एक बार अगर इस किले का भंडारा भर गया तो 3 साल तक हमारे खाने पीने की व्यवस्था हो जाएगी। बहुत अच्छी। हुकुम। महाराज, शम्स खान इधर ही आ रहे हैं। सबसे कहिए कि काम रोक दे और कोई भी आना जाना है। जी हुकुम। चलिए सब लोग काम रोक दीजिए, जल्दी। अपने आगमन की सूचना नहीं दी शम्स खान। सूचना यानी कि खबर? हाँ, खबर नहीं दी आप। खबर करके आते तो क्या करते आप? हमारी हमारे इस्तकबाल में इन राहों पर फूल बिछाते या फिर इधर छिड़कते आप? क्या करते आप? चलो एक काम करते, हम वापस जाते हैं और फिर खबर करके आते हैं। तब तक आप अपनी तैयारियां पूरी कर ले। अपने आने की वजह बताओ शम्स खान। जंगल में कुछ खो गया है हमारा, हमारे दो सिपाही। कुछ मालूमात है आपको? जब जंगल में जाने से आपके सिपाही खो जाते हैं तो उनसे कहिए कि जंगल में ना जाएं। मेवाड़ के जंगली जानवर अपने शत्रुओं को सूंघ कर पहचान लेते हैं। अपने लफ्जों में छुपा के क्या बेहतरीन हिदायत दिया आपने भाई, वाह, बहुत खूब। इन बोरों में क्या? जानवरों के लिए चारा होगा। ये तो इंसानों का चारा है। पूरी रियासत के लिए अनाज इकट्ठा कर रहे हैं आप, लेकिन क्यों? हमने तो आपकी रसद बंद नहीं की। कहीं आपके मंसूबे तो नहीं है हमारा दाना पानी बंद करने के? अच्छा, शायद कोई दावत होगी आपके यहाँ, है ना? हमारे सिपाहियों की कोई मालूमात हो जाए तो खबर जरूर कीजिएगा। राणा जी की जय। शम्स खान अपने लापता सिपाहियों की जानकारी हासिल करने नहीं आया था यहाँ। ये आप क्या कर रही है मासा? प्रताप, अभी तक सोए नहीं आप?
मासा, हमें आभास हो रहा है कि चारों ओर कुछ चल रहा है। दाजीराज युद्ध की तैयारियां कर रहे हैं। इतना परेशान हमने आपको पहले कभी नहीं देखा मासा। क्या दाजीराज पर, हम सब पर कोई संकट आने वाला है? वातावरण में डर सा क्यों है मासा? डरना तो अच्छी बात नहीं है ना? यहाँ आइए, हमारे पास आइए। प्रताप, थोड़ा बहुत डर भी ठीक ही होता है। डर हमें सजग बनाता है। संकट एक सच्चाई है और डर हमारे मन का चुना हुआ भाव। इस जीवन में हम सभी एक ना एक बार मरने से पहले मृत्यु का सामना करते हैं, और पता है तब हम क्या कहते हैं अपनी मृत्यु से? आज नहीं, बिल्कुल ठीक। और आपको विश्वास रखना होगा कि आपके प्रियजन भी मृत्यु से नेत्र मिलाकर उससे यही कह पाए कि आज नहीं। और मासा, मृत्यु ये सब सुन के भी उन्हें ना छोड़े तो? अपने दाजीराज के पुरुषार्थ पर विश्वास रखो प्रताप। मासा, यदि इस विजय में वे और उनके सैनिक कहीं वीरगति, यदि ऐसा हुआ तो वे अमर हो जाएंगे। हमारे विचारों में, हमारी यादों में, हमारे इतिहास में। याद रखिए प्रताप, ये युद्ध आपका नहीं है, आपके दाजीराज का है। पर समय आएगा जब आपको भी अपना युद्ध लड़ना होगा। जब तक ये समय ना आए, आपको सब कुछ देखना है, समझना है। और याद रखिए, बिना किसी तनाव के। और आप क्यों तनाव में है फिर? क्या ये युद्ध आपका भी युद्ध है मासा? गणी हुकम। अम्मा गणी महाराज, यहाँ आते हुए आप लोगों को किसने देखा तो नहीं? नहीं हुकम, हम सब आते समय पूरी तरह सतर्क थे। आप सभी सामंतों को यहाँ इस आपात बैठक के लिए इसलिए बुलाया गया है ताकि हम आपसे चिंताजनक समाचार साझा कर सकें। शम्स खान को हमले की तैयारियों के बारे में पता चल चुका है। अब अटल है। रावत जी, हमारे पड़ोसी राज्य मालवा, ग्वालियर एवं जैसलमेर कब तक सहायता पहुंचा रहे हैं? हमारे पड़ोसी मित्र राज्यों को संदेश भेजे जा चुके हैं हुकम, और वो हमारी सहायता के लिए तैयार भी हो गए, किंतु उन्हें अभी यहां तक पहुंचने में कुछ दिनों का समय लग जाए। ये समाचार अच्छा नहीं है। अगर शम्स खान ने सहायता आने से पहले आक्रमण,
हम पीठ नहीं दिखाएंगे। हम इतना आगे बढ़ चुके हैं कि युद्ध अवश्य होगा। अगर शत्रुओं के पास सैन्य बल है तो हमारे पास आत्मबल है। उनके शस्त्रों के सामने हमारे हौसले कम नहीं पड़ेंगे। लड़ाई तो हम अवश्य करेंगे, लेकिन अगर आवश्यकता पड़ी तो हम ताका के लिए भी तैयार हैं। इससे पहले कि शम्स खान के खबरी हमारी इस बैठक को भांप लें, आप सभी सुरक्षित यहां से निकल जाइए। हाँ, युद्ध तक अब किसी से भेंट नहीं होगी। आप सभी से हमारा संपर्क रावत जी के माध्यम से होगा। अब हम रणभूमि में ही मिलेंगे। एकलिंगनाथ जी की जय। एकलिंगनाथ जी की जय। ये मेवाड़ राजवंश हमारी जिम्मेदारी है। हम आपको साका का अर्थ बताने का प्रयास नहीं कर रहे, किंतु आपको ये याद दिलाना अनिवार्य है कि जब साका का निर्णय लेकर राजपूत करो या मरो की स्थिति में रणभूमि की ओर बढ़ते हैं तो अक्सर वो युद्ध उनके जीवन का अंतिम युद्ध होता है। निसंदेह ताका हर क्षत्रिय के लिए गर्व की बात है, किंतु ईश्वर के लिए आप ताका में सम्मिलित होने का विचार त्याग है, क्योंकि ये बात तो हम सभी जानते हैं कि इस युद्ध का परिणाम हमारे विरुद्ध जा सकता है। अगर ऐसी परिस्थिति में आपको कुछ हो गया तो इस मेवाड़ राज्य का ध्यान कौन रखेगा? रावत जी, अभी कुछ ही पहर पहले आपने कहा था कि हमारा उत्तराधिकारी तैयार हो चुका है। हुकम, प्रताप तो अभी बहुत छोटे हैं। उनके मार्गदर्शन के लिए आप हैं ना? और हाँ रावत जी, अब चाहे जो भी हो, मेवाड़ अनाथ नहीं होगा। चलते हैं। जली मशाल, मैंने देखा अपने सोए हुए सुरमाओं को। तुम्हें पता है जब तुम सब घोड़े बेच के सो रहे थे, तुम्हारा सरदार राजपूतों की फिक्र में जाग रहा था। बैठे रहो, बैठे रहो, उठने की कोई जरूरत नहीं है, बैठो। अच्छा, एक बात ईमान से बताना, तुम में से किसी ने मेरे आने की आहट सुनी? किसी ने मुझे मशाल जलाते हुए देखा? नहीं सरदार। ठीक इसी तरह उदय सिंह चुपचाप हम पे हमले के मंसूबे बना रहे हैं और हमें खामोशी के साथ
उसके मंसूबों पे पानी फेंकना, हमें अचानक गफलत में उसे पकड़ना है, जैसे मैंने तुम्हें पकड़ा। वो हमले की तैयारी कर रहा है। हम जंग की तैयारी करेंगे, है ना? अब जाओ सर, जाओ। अब आएगा मजा।